हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 6 लेसन 13 जो कि एक पोयम है लिटिल थिंग्स, इसका हिंदी में अनुवाद, इसका इसके अर्थ को हम लोग देखेंगे। लिटिल मीन्स होता है छोटा, थिंग्स मीन्स होता है चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें। इसमें छोटी छोटी चीज़ों के विषय में बताया गया है। आइए आगे हम पोयम में देखते हैं। लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर, लिटिल मीन्स होता है छोटा, ड्रॉप्स मीन्स होता है बूंदे, वाटर मीन्स होता है पानी, पानी की छोटी छोटी बूंदें। लिटिल ग्रेन्स ऑफ सैंड, ग्रेन्स मीन्स होता है दाने या कण, सैंड मीन्स होता है बालू, बालू के छोटे छोटे कण। मेक द माइटी ओशन, मेक मीन्स होता है बनाना, माइटी मीन्स होता है शक्तिशाली, ओशन मीन्स होता है समुद्र, सागर या महासागर, शक्तिशाली महासागर को बनाते हैं। एंड द प्लीजेंट लैंड, एंड मीन्स और, प्लीजेंट मीन्स होता है सुखद या सुहाना, लैंड मीन्स होता है भूमि या जमीन, और सुखद भूमि को बनाते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि पानी की छोटी छोटी बूंदें, बालू के छोटे छोटे कण शक्तिशाली महासागर को बनाते हैं और सुखद जमीन को बनाते हैं। सो द लिटिल मोमेंट्स, सो मीन्स इसलिए, लिटिल मीन्स छोटे छोटे, मोमेंट्स मीन्स पल लम्हे, इसलिए छोटे छोटे लम्हे या पल। हम्बल दो दे वी, हम्बल मीन्स होता है विनम्र, दो मीन्स होता है हालांकि, यद्यपि या भले ही, दे मीन्स होता है वे, बी मीन्स होता है होना। इसीलिए छोटे छोटे पल या लम्हे, भले ही वे हम्बल हों, विनम्र हों। मेक द माइटी एजेज, मेक मीन्स बनाते हैं, माइटी मतलब शक्तिशाली, एजेज मतलब युगों को, ऑफ इटर्निटी मतलब अनंत काल के, अनंत काल के शक्तिशाली युगों को बनाते हैं। कौन बनाता है? इसीलिए जो छोटे छोटे लम्हे होते हैं, छोटे छोटे पल होते हैं, भले ही वे विनम्र हों, वे जो लम्हे होते हैं शक्तिशाली, अनंत काल के शक्तिशाली युगों को बनाते हैं। दस आवर लिटिल इरर्स, दस मतलब इस प्रकार, आवर मीन्स हमारे, लिटिल मतलब छोटे, इरर्स मतलब त्रुटियां या भूल या गलतियां। इस तरह से हमारी छोटी छोटी गलतियां, हमारी छोटी छोटी त्रुटियां लीड द सोल अवे, लीड मतलब ले जाती हैं या नेतृत्व करती हैं, सोल, सोल मतलब होता है आत्मा को या रूह को, अवे मतलब दूर। इस तरह से हमारी छोटी छोटी गलतियां, छोटी छोटी त्रुटियां हमारे रूह को, हमारे सोल को, हमारी आत्मा को दूर ले जाती हैं। फ्रॉम द पथ ऑफ वर्चू, पथ ऑफ वर्चू मतलब होता है नैतिकता के मार्ग या पूर्ण के मार्ग से। फॉर इन सिन टू स्ट्रे, फॉर मीन्स होता है दूर, सिन मीन्स होता है पाप, स्ट्रे मतलब भटकाती है, दूर पाप में भटकाती हैं। इसका पूरा अर्थ ये हुआ कि इस तरह से हमारी छोटी छोटी जो गलतियां हैं वो हमारी आत्मा को दूर ले जाती हैं, नैतिकता के पथ से दूर पाप में भटका देती हैं। मतलब हमारी जो छोटी छोटी गलतियां हैं वह हमको धीरे धीरे पाप के रास्ते पर ले जाती हैं। छोटी छोटी गलतियां करते करते ही हम बड़े पाप को कर डालते हैं, इसका कहने का ये मतलब है। लिटिल डीड्स ऑफ काइंडनेस, लिटिल मतलब होता है छोटे छोटे, डीड्स मीन्स होता है कार्य या काम, काइंडनेस मीन्स होता है दयालुता, दयालुता के छोटे छोटे काम। लिटिल वर्ड्स ऑफ लव, प्रेम के छोटे छोटे शब्द। हेल्प टू मेक अर्थ हैप्पी, हेल्प मतलब सहयोग करते हैं, मेक मतलब बनाने में, अर्थ मतलब पृथ्वी, बट यहाँ संसार के, संसार के लोगों के सेंस में प्रयोग किया गया है। हैप्पी मीन्स होता है प्रसन्न, संसार के लोगों को प्रसन्न बनाने में सहयोग करते हैं। लाइक द हीवन एबव, जैसे स्वर्ग, जैसे ऊपर स्वर्ग है। मतलब इसका पूरा कहने का अर्थ ये है कि दयालुता के जो छोटे छोटे कार्य हैं और प्रेम के जो छोटे छोटे बोल हैं या शब्द हैं, वह पृथ्वी पर रहने वाले लोगों को या संसार में रहने वाले लोगों को प्रसन्न बनाने में सहयोग करते हैं, जैसे जैसे कि ऊपर स्वर्ग है। मतलब जैसे ऊपर स्वर्ग में हर कोई प्रसन्न है, सुखी है, दुख नाम का कोई चीज़ नहीं है, वैसे ही जो दयालुता के छोटे छोटे काम है, जो हम दयालुता पूर्वक जो काम करते हैं और जो हम लोग मीठे बोल बोलते हैं, प्रेम प्रेम के जो मीठे शब्द बोलते हैं एक दूसरे को, वह पृथ्वी पर जो लोग हैं उनको खुश रखने में, उनको प्रसन्न रखने में सहायता करती है।
आई होप बच्चों आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उनसे बड़े बड़े क्या काम होते हैं, इसी के विषय में इसमें बताया गया है। जैसा कि आप लोगों ने अभी तक देखा, जो छोटे पानी के जो छोटे छोटे बूंद होते हैं और बालू के जो छोटे छोटे कण होते हैं, वो विशाल वो शक्तिशाली महासागर का निर्माण करते हैं और सुखद भूमि का निर्माण करते हैं। और इसी तरह से जो छोटे छोटे लम्हे होते हैं, चाहे वो विनम्र हों चाहे जैसे हों, वो अनंत काल के शक्तिशाली युगों को बनाते हैं। मतलब जो हमारा इतिहास बनता आया है, जो हमारे अभी तक युग बनते आए हैं, वो बनाते हैं। इस तरह से हमारे जो छोटे छोटे त्रुटियां हैं, जो छोटी छोटी गलतियां हैं, जो हम छोटी छोटी गलती हैं, छोटी छोटी हम गलतियां करते हैं और उसको इग्नोर कर देते हैं, वही गलतियां हमें हमारे जो आत्मा को, हमारी आत्मा को दूर ले जाती हैं। कहाँ से दूर ले जाती हैं? नैतिकता के पथ से, पूर्ण के मार्ग से दूर ले जाती हैं। कहाँ ले जाती हैं? पाप के रास्ते में भटका देती हैं, पाप में उलझा देती हैं। मतलब हम पहले छोटी छोटी गलतियां करते हैं, फिर सोचते हैं कि छोटी सी ही गलती तो है, फिर छोटी छोटी गलतियां करते करते हमारी वो आदत बन जाती है और हम बड़े बड़े पाप को करने लगते हैं। इस तरह से हम छोटी छोटी गलतियां करते करते पाप के रास्ते में भटक जाते हैं, बहुत बड़े बड़े पाप करने लगते हैं। और आगे दिया गया है और छोटी 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 चीज़ों से क्या क्या होता है। जैसे देखिए, जो दयालुता के छोटे छोटे काम है, जैसे हम किसी पर दया करके किसी का हेल्प करते हैं, कोई काम कर देते हैं और किसी से प्रेम पूर्वक कोई प्रेम के छोटे 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 बोल बोल देते हैं, आप प्रेम पूर्वक बात कर लेते हैं, तो ऐसे पे पृथ्वी पर रहने वाले जो लोग हैं, संसार में जो लोग हैं, वो हैप्पी होते हैं, खुश होते हैं। और जैसे स्वर्ग में सब लोग खुशी रहते हैं, उसी तरह से अगर हम एक दूसरे से प्रेम पूर्वक बात करें और दयालुता पूर्वक बात करें, दयालुता से रहें, हीन भावना न रखें, तो हर कोई पृथ्वी पर हैप्पी रहेगा, जैसे कि स्वर्ग में हैप्पी रहते हैं। आई होप बच्चों आप लोगों को ये पूरा जो पोयम है, इसका जो अर्थ है, अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अच्छे से समझ में आ गया होगा तो इसको कॉपी पे अपने नोट कर लीजिएगा और अपने टीचर को ज़रूर दिखाइएगा। वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं और आपके ऐसे ही अन्य वीडियोज चाहिए, अन्य चैप्टर के वीडियो चाहिए, इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर वर्ड मीनिंग भी चाहिए, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप टीचर हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप अपने एजुकेशनल ग्रुप में ज़रूर शेयर करें। अगर आप अभिभावक हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो अपने प्यारे प्यारे बच्चे, नन्हे मुन्ने बच्चों को ज़रूर दिखाइए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें लाभ मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर के साथ, इसके वर्ड मीनिंग के साथ। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका हम लिंक दे देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।